हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जेएसएससी की ओर से एक्साइज के साथ साथ एक और वैकेंसी आया था, वो था स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी। और इसमें करीब करीब 1000+ वैकेंसी था। और इसमें जो है छात्रों के साथ काफ़ी दुविधाएं हैं, क्योंकि इसको फॉर्म को भरने में 800 रुपया जो है छात्रों से लिया गया था, और करीब करीब 4 लाख स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को अप्लाई किए थे। और अभी भी छात्र दुविधा में है कि ये फॉर्म जो है कब आने वाला है, क्योंकि लंबा टाइम हो गया है और एक बार छात्र ऑलरेडी फॉर्म को भर चुके हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस मेरे पास भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि स्पेशल ब्रांच का वैकेंसी का क्या स्थिति है। तो सबसे पहले ये वैकेंसी जो स्पेशल ब्रांच का है ये कैंसिल नहीं होगा। जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई किए थे वो तो एलिजिबल है ही। बाकी एक मौका और दिया जाएगा छात्रों को, जितने भी नए छात्र हैं जिनका एज अभी 18+ हुआ है, वो सभी छात्र फिर से अप्लाई कर सकते हैं, या जिनका छूट गया था वो भी कर सकते हैं। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर का जरूरत पड़ेगा, या फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर से भी आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को जान सकते हैं, पुराने स्टूडेंट जितने भी हैं। बाकी सीटों की संख्या सेम रहेगी, वही 1000+ जो है वो वैकेंसी जो पहले आया था वही सीटों की संख्या रहेगी। एज क्राइटेरिया वगैरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आपका कितना भी एज हो रहा है आपको दिक्कत नहीं है, आप बाहर नहीं होंगे, आपको एक मौका यहाँ पे दिया जाएगा जेएसएससी की ओर से। क्योंकि ये कहीं ना कहीं जेएसएससी और आयोग की गलती है जिससे चलते ये वैकेंसी इतना लंबा डिले हो गया है। एक्साइज तो चलिए फिर से एक बार आ भी गया, लेकिन स्पेशल ब्रांच का कोई भी अता पता यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो छात्र परेशान होते ही हैं इस तरह के कारनामे से। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये जो स्पेशल ब्रांच की वैकेंसीज थी इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गया है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। कैबिनेट से जो है इसमें कुछ दुविधाएं थी वो पास हो चुका है। और कार्मिक जो है, कार्मिक अभी तक जेएसएससी को अधियाचना नहीं भेजा है, और यही अनुमान लगाया जा सकता है कि जेएसएससी को अधियाचना भी जेएसएससी जल्द भेज देगी, क्योंकि जितने भी दुविधाएं थी वो कैबिनेट के माध्यम से इसको सॉल्व आउट कर लिया गया है। इसको जितने भी प्रॉब्लम है, मैं साफ तौर पर बोलूँ कि जितने भी समस्याएं हैं जो भी सरकार के पास नज़र में रहता है उसको दूर कर दिया गया है। कार्मिक का काम है कि वो जेएसएससी को अधियाचना भेजे, उसके बाद जेएसएससी जो है नोटिफिकेशन निकाल देगी कि आप न्यू स्टूडेंट जितना भी फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसलिए जितने भी छात्र ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या ये वैकेंसी रद्द हो चुका है, तो बिल्कुल भी नहीं, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ है और ना ही होगा। जितने भी छात्र फॉर्म को अप्लाई किए थे, 4 लाख+ छात्र जो अप्लाई किए थे वो सभी छात्र तो एलिजिबल हैं ही। बाकी न्यू छात्र जितने भी हैं उनको भी एक मौका दिया जाएगा जेएसएससी के आयोग की तरफ से। तो इसलिए परेशान नहीं होना है, इतना वैकेंसीज आप तैयारी में लगे रहिए। और एक नौकरी के लिए जेएसएससी में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना जेएसएससी में चलता है, मैं यही कहूँगा कि कोई बड़ी बात नहीं है जेएसएससी के लिए कि अगर 2018 में वैकेंसी आई थी और उसके बाद से अभी तक नहीं आया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होते रहता है, ठीक है। बाकी आप जैसे जैसे जेएसएससी को जानेंगे आपको पता चलते जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। बाकी जो छात्र बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उसको पता चल ही गया होगा कि मेरा बोलने का क्या मकसद है यहाँ पे। चलिए, इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसीज थी वो फिर से दोबारा आने वाली है और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा आयोग की वेबसाइट पे। बाकी कार्मिक के द्वारा अभी तक जेएसएससी आयोग को भेजा नहीं गया है, अभी तक का यही अपडेट है। इस चैनल पे अगर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।